कुल्फी वाला भैया रुको, कुल्फी वाला आ गया, कुल्फी ले लो। मम्मी मम्मी प्लीज पैसे दो ना, आपने बोला था कल, प्लीज मम्मी मम्मी प्लीज। कुल्फी वाला आ गया। भैया रुको दो मिनट, आया। मम्मी 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 प्लीज पैसे दो ना, मम्मी प्लीज दो ना पैसे। तुम अपने बाप से लेके क्यों नहीं मांगते? हम उनसे मांगते, फिर तुम हमसे मांगने आ जाते हो। जाओ उनसे मांगो। मम्मी दो ना पैसे। ठीक है रो मत, दे रे रुको, कुछ हमसे ही चाहिए तुमको, अगली बार उनसे मांगना। हाँ आपके लिए एक लाता हूँ। कोई धर्मशाला नहीं है। दीदी एक बॉटल ठंडा पानी मिलेगा, अभी लाए। आंटी आंटी मम्मी ने ना वो पूछ के आती हूँ। अरे हाँ बर्फ मांगा है। ए दीदी ये आपके लिए लाए थे बासुंदी, लो लो। और ये हमारे फ्रिज में रखने के लिए। भाभी दही जमाना है आपके फ्रिज में रखेंगे। दीदी पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, इतनी सी भी जगह नहीं है, मैंने क्या बताऊं आपको। ऊपर वाले शेल्फ में है ना जगह, मैंने अभी देखा था। है जगह? भाभी पकड़िए ये रखिए, कल की सब्जी बची हुई है, मैं लेके आती हूँ। अब भी आई मैं, रखिए। क्या चल रहा है? क्या चल रही है? कूलर चालू है, टीवी चालू है, लेटे हो तुम लोग उसके सामने, बिजली का बिल लाखों में आ जाएगा। जी जी बराबर बराबर। पर तिवारी जी नई सरकार आ जाएगी ना तो गर्मी नहीं होगी, देखना। ए रुक क्यों गया, हाथ चला। चलो चलो रसना पी लो। इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, मैं कूलर ऑन करके आता हूँ। मेरे मामा के गांव में ना तीन चार टीम बनानी पड़ती है, इतने लोंडे होते खेलने के लिए। क्या बात कर रहा है? हाँ और यहाँ कौन? जियान सुनियो और नोबिता। जियान बोला। मैं जियान। हमारे यहाँ ऐसे एक दर्जन आधा दर्जन आम नहीं लाते, ऐसे पेड़ में हाथ डालो और खाते जाओ खाते जाओ। सुबह सुबह नदी में तैरने जाओ और रात को आसमान के नीचे बैठ के तारे देखो। ये? तेरे मम्मी को बताओ क्या? मेरे मामा के गांव में ना इससे 10 गुना बड़ा मैदान है। इससे 10 गुना? हाँ तेरा सिक्सर भी नहीं जाएगा। ए तो आउट है सरक, आउट है बोला ना, आउट है। पापा 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 मुझे मामा के गांव जाना है। पर तेरा मामा ही नहीं है। माँ पानी दो जल्दी, मेरी बैटिंग है। बस हो गया खेलना, अब बाहर नहीं जा रहे हो तुम। अरे मम्मी बैटिंग है मेरी, अभी जल्दी दो। अरे हालत देखो क्या बना के रखी है, रंग देखो अपना, काला जामुन बन के आओ एकदम। अंदर जाओ हाथ मुंह धो और सो जाओ। अरे जाने दो ना मम्मी, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी। आज तुझे देख मैं कैसे हराती हूँ। पापा आप ना बस वो क्वीन मत निकालना, ठीक है? अरे बेटा क्वीन तो मेरे पास पहले से ही है। चलो चलो बहुत हो गया खेलना, फ्रूट्स लेके आती हूँ अब वो खाएंगे। काजल एक्टिंग मस्त करती है। तुमने सोच कैसे लिया कि वो लड़की हम
हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकती है। तुम इतने पतले कैसे हो गए? दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सौ। आऊं क्या? तीन बजे उठी थी सुसु को, और वो बाजू वाला जो घर है ना, जो बहुत दिन से बंद है, वहां से एक बच्चे की आवाज आ रही थी रोने की। और उसकी मम्मी हंसे ही जा रही थी, हंसे ही जा रही थी। फिर मैं बाहर आई, मैंने पानी का ग्लास लिया पानी पीने के लिए, और पता है क्या हुआ? पानी का ग्लास मेरे हाथ से गिर गया। और इस बार मस्त एंजॉय किया समर वेकेशन है। अभी पढ़ाई भी करनी है, इस साल अच्छे मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। टेंशन मत ले, हर साल का सेम कैसेट है। तुम सही से रहना, ठीक है? चलो लड़ाई। हाँ जाओ। लड़ाई झगड़ा मत करना और टिफिन खत्म कर देना। और दो रुपए है, एक रुपया उसको भी दे दो। स्कूल में बताने का नहीं है, तुम मेरे बहने करके। बहुत गर्मी यार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ये गर्मी का वीडियो? और आपके पास भी गर्मियों की छुट्टियों से रिलेटेड ऐसे ही किस्से होंगे तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो में से कौन सा पार्ट आपको पसंद आया प्लीज बताइए। और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। टिल देन हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।